अब हम बात कर लेते हैं सैंपल मेथड की। ये एक ऐसा मेथड है जो डेली रूटीन की लाइफ में कहीं ना कहीं हम यूज भी करते हैं। मान लीजिए घर में आप खाना बना रहे हैं और आपने ये प्रेशर कुकर में चेक करना है कि चावल बन गए हैं कि नहीं बन गए, तो आप क्या करोगे? चावल के एक-एक दाने को तो चेक नहीं करने वाले। अगर आप चावल के एक-एक दाने को चेक करते हो, अगर आप चावल के एक एक दाने को चेक करते हो, तो मैं कहूंगा कि आप सेंसेस मेथड यूज कर रहे हो। कौन सा मेथड? सेंसेस मेथड। पर हम क्या करते हैं रियलिटी में, चावल के कुछ ही दानों को चेक करके बता देते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। तो मैं कहूंगा कि आपने सैंपल मेथड यूज किया। एक एग्जाम्पल और, किसी दुकान पे गए, आपने वहां पर चेक किया कि चीनी अच्छी है कि नहीं है, तो आपने दुकानदार को बोला कि मुझे चीनी के कुछ दाने दिखाओ, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं खरीद लूंगा। अब दुकानदार आपको पूरा कट्टा तो लाकर दिखाने नहीं वाला। दुकानदार ने क्या किया, कुछ चीनी के दाने आपको दिखाए, जिसको देखकर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने चीनी परचेज करनी है कि नहीं करनी है। तो मैं कहूंगा कि आपने सैंपल मेथड यूज किया। मतलब सैंपल मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको पहले भी देता आ रहा हूं कि मान लो आपके पास 2000 स्टूडेंट्स हैं और 2000 स्टूडेंट्स का डेटा अगर आप सभी से एक एक से कलेक्ट करते हो, 2000 बच्चों का डाटा अगर आप एक एक बच्चे से कलेक्ट करते हो, उनसे से बात करते हो, तो मैं कहूंगा कि आपने सेंसस मेथड का यूज किया। पर मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, सैंपल मेथड। आपने 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट नहीं किया, आपने 2000 में से एक सैंपल उठा लिया, सिर्फ 200 बच्चों का सिलेक्शन किया, इन बच्चों का आपने डेटा कलेक्ट किया। जो डेटा आपको यहां से मिला, तो आपने यही सोचा कि वो 2000 बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सैंपल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से कुछ का ही सिलेक्शन करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है उसको सभी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। दैट इज सैंपल मेथड। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।